एटीएम कार्ड ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। अब 24 घंटे आप कहीं भी आसानी से रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम कार्ड का लाभ सिर्फ रुपए निकालने में नहीं, बल्कि इससे कई और सुविधाएं मिलती हैं। और हम में से कई लोगों को एटीएम कार्ड की अन्य सुविधाओं की जानकारी नहीं रहती। कार्ड जारी होने के दिन से ही उसका दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। इंश्योरेंस 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का हो सकता है। और क्या क्या है कार्ड रखने के फायदे, एटीएम कार्ड के फायदे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ पंकज मतपाल जुड़े हैं। पंकज, थैंक्स अ टन फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम जैसा कि बात कर रहे थे एटीएम कार्ड के फायदे के बारे में, तो आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो है इंश्योरेंस का। एटीएम कार्ड जब आप रखते हैं, बैंक इस्तेमाल करने के लिए आपको देती है, तो उसके साथ एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। प्रोसेस हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इस फायदे के बारे में बताइए जो कि अक्सर बैंक की तरफ से दर्शकों जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। देखिए, आपका जो अक्सर एटीएम कार्ड होता है वो एटीएम का कम डेबिट कार्ड होता है बेसिकली। वो डेबिट कार्ड आपका वीजा, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड, इस तरह से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट कवर मिलता है उस पर। उसके अलावा बहुत सारे बैंक आपको जो आप परचेस करते हैं कोई भी चीज उस कार्ड पर, उस चीज को भी प्रोटेक्शन देते हैं। अगर फायर, थेफ्ट, अगर कोई भी चोरी होती है या आग लग जाती है, नुकसान होता है, तो वो चीज जो आपने खरीदी है उस डेबिट कार्ड से वो भी आपकी इंश्योर्ड होती है। और ये जो इंश्योरेंस कवर है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में, यहां तक कि अगर आप देखें जो आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, प्रीमियम कार्ड्स, वहां पर इवन 3 करोड़ तक का कवर भी अवेलेबल है। अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, आपने अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड से फ्लाइट का टिकट निकाला और उसमें दुर्घटना होती है, तो वहां पर एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है, डिसेबिलिटी कवर अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आपके जो एटीएम कम डेबिट कार्ड है उसके ऊपर कई तरह के इंश्योरेंस, जैसे मैंने बताया आपको, एक्सीडेंट कवर है, डिसेबिलिटी कवर है, एयर ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, वो कवर होता है। और जो चीज आपने वो एटीएम कार्ड यूज करके की है वो चीजें भी आपकी इंश्योर्ड होती हैं 6 महीने तक। तो ये कार्ड से अलग अलग कार्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए। आपने डेबिट कार्ड लिया उसका भी यूज कर रहे हैं तो ही आपका इंश्योरेंस कवर उस पर जारी रहेगा। तो ये एक्टिव होना चाहिए, इसकी क्या वैलिडिटी है, ये कैसे वैलिडेट किया जा सकता है, मतलब कोई टाइम फ्रेम है जब तक जो कि वो चेक करते हैं इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले? बिल्कुल, देखिए, आपने जब कुछ दुर्घटना हुई है उसे 6 महीने के अंदर आपका कार्ड इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं कार्ड को, तो आपका एक्सीडेंट कवर उसमें से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए चाहे आपने उसको किसी तरह से यूज किया हो, आपने मर्चेंट आउटलेट में स्वाइप किया हो या ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की हो उस कार्ड के जरिए, तो मतलब वो एक्टिव है आपका कार्ड। तो पिछले 6 महीने के आपके ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे ये चेक करने के लिए कि वो आप उपयोग उसका कर रहे हैं या नहीं। और कई तरह के इंश्योरेंस, जैसे कि अभी पंकज जी भी बात कर रहे थे, कुछ बैंक हवाई यात्रा के टिकट बुकिंग पर भी एक्सीडेंट बीमा देती है, और थेफ्ट और कार्ड अगर चोरी हो जाता है तो उस केस में भी इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो इसी पर मेरा अगला सवाल होगा पंकज जी, कि अगर मान लीजिए कोई सामान है हमने लिया है और उसका वो चोरी हो जाता है, तो उस पर इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है कार्ड के जरिए? जी देखिए, आपको पहली चीज तो यह है कि पुलिस कंप्लेंट करनी होगी अगर चोरी होती है, फायर होता है, जैसे किसी भी इंश्योरेंस केस में होता है। और यहां पर समझना जरूरी है कि बैंक के कार्ड के ऊपर जो इंश्योरेंस मिल रहा है ये कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है, मतलब बैंक का एक टाई अप होता है। चाहे वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ में हो, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो, आईसीएस लोम्बार्ड हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है। तो जो कवर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इंश्योरर के द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा। तो ऐसे में आपको क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से ही करना है। आपको बैंक से पता करना चाहिए कि कौन सा इंश्योरर आपके कार्ड के साथ में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी चीज में अगर दुर्घटना होती है या चोरी होती है तो उस केस में आपको पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। फिर आपको जो एफआईआर की कॉपी है, आपको अगर एक्सीडेंट है तो उसमें डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, हॉस्पिटलाइजेशन का रिकॉर्ड है, वो जैसे भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करना होता है वही प्रोसीजर यहां फॉलो करना पड़ेगा। नॉमिनेशन इंश्योर करें कि आपके जब आपने कार्ड लिया तो आपने उस वक्त नॉमिनी की डिटेल दी है कि नहीं दी है। यूजुअली तो बैंक अकाउंट है तो आपने नॉमिनेशन रखा होगा, बट कई बार लोग भूल जाते हैं या
ऐसा भी होता है कि नॉमिनी बनाते हैं लेकिन नॉमिनी की डेथ हो चुकी होती है लेकिन अपडेट करना भूल जाते हैं, तो ऐसा जरूरी है कि अगर आपका इंश्योरेंस कवर है आपके कार्ड पर तो नॉमिनी भी टाइम टाइम पर अपडेट करते रहे। बिल्कुल, और इस पर हमने काफी बार शोज भी किए हैं और काफी बार दर्शकों को बताया भी है कि जो नॉमिनी अगर नॉमिनेशन के केस में आप जरूर अपडेट करते रहे, और इसका फायदा आपको कार्ड के केस में भी मिलेगा अगर आपने अपना नॉमिनेशन नॉमिनी का जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करके रखी है, तो यहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी इसी वक्त आप जाकर बैंक से संपर्क करिए कि किस तरह के इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, किस तरह के कवर आपको मिल सकते हैं, इस पर और चर्चा करेंगे। और आप भी हमारे साथ अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़े, एटीएम कार्ड से जुड़े जो भी अगर आपके सवाल है वो पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं और फोन लाइन के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पवन कुमार जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, उनका सवाल ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड से पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड उनका सवाल है। पवन नमस्कार, पूछिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सर। सेम टू यू पवन। और क्या जी उम्मीद कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको शो, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो भी आपको सजेशन शो, देखिए मैं आपका शो हर रोज आपका ये दिखता हूँ जी, अपने ऑफिस में भी होता हूँ तो भी इसे ये देखता हूँ, और अपने घर पे होता हूँ तो भी। थैंक यू सो मच पवन, उम्मीद करते हैं कि शो के जरिए आपको काफी सारे फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे होंगे। क्या जानना चाह रहे हैं पवन? चलिए इनसे संपर्क नहीं। पवन आप हमें सुन पा रहे हैं? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनकी आवाज कट रही है। लेकिन इनका सवाल है हमारे पास, ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं। काफी बेसिक सा सवाल है जो कि अक्सर दर्शकों के दिमाग में आता है। पंकज, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, कैसे चालू करें, ऑनलाइन के जरिए चालू करें या किसी ब्रोकर को अप्रोच करें शुरुआत करने के लिए, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से इनको स्टार्ट करना चाहिए? एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी स्कीम में निवेश करना है तो फिर आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो आपके पास सुविधा है कि आप किसी IFA, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इंडिविजुअल जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसके जरिए खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी बैंक के जरिए, क्योंकि बैंक भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है म्यूचुअल फंड का, और उसके अलावा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े ब्रोकिंग फर्म होती हैं उनसे भी आप खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन खरीदना है तो एक तो तरीका यह है कि आप ब्रोकर की वेबसाइट पर जाइए और वहां से खरीद लीजिए, या फिर आप AMC मतलब यानी म्यूचुअल फंड हाउस जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर खरीदते हैं तो वहां पर आपको कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं होता है, जबकि ब्रोकिंग फर्म की साइट पे चार्जेस हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बाय करेंगे किसी AMC की वेबसाइट पर तो आपको हर AMC के लिए, मान लीजिए आपको ICICI प्रूडेंशियल का एक स्कीम बाय करनी है तो उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम बाय करते हैं तो उनकी वेबसाइट पर वो बाय करना होगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है एक म्यूचुअल फंड यूटिलिटी, ये एक MFU एक प्लेटफॉर्म है जो कि सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आप MFU की वेबसाइट पर जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का की कोई भी स्कीम यहां पर बाय कर सकते हैं। तो एक बार आप यहां पर रजिस्टर कर लीजिए MFU की वेबसाइट पर, यहां से आप ऑनलाइन कोई भी AMC की कोई भी स्कीम जो आपको बाय करनी हो कभी भी वो कर सकते हैं, और कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज उस पर नहीं लगेगा। तो आपके पास सुविधा है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आजकल ऑनलाइन में क्योंकि टाइम भी बचता है आपका, और आसानी से आप रिडेम्पशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बाय भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध है। जी पवन, तो ये सलाह आपको दे दी गई है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगले दर्शक का भी सवाल हम ले लेते हैं। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। ऋतिक नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। आपने जो सवाल आया है काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, हमने पढ़ा, और जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप खुद ही डिटेल में पूछें, इसके बारे में बात करें, क्योंकि रिस्क को लेकर जो सवाल आपने पूछा है अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, तो आप जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या जानना चाह रहे हैं आप। सर मैंने रिलायंस का स्मॉल कैप फंड चुना है, उसमें मैंने सुना है कि रिस्क ज्यादा होता है तो ज्यादा भी रिटर्न मिलता है,
तो वो रिटर्न जो रिस्क जो होता है वो किस तरह का रिस्क होता है और ये कब और कैसे हमारे ऊपर आता है, तो उसको समझने के लिए मैंने आपको ईमेल भेजा है जी, उसी का सवाल है जी। तो बेसिकली ये रिस्क को समझना चाह रहे हैं मार्केट में। पंकज जी, जैसा कि हम देखते रहते हैं काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चलता रहता है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारा जो हमने पोर्टफोलियो बना हुआ है, हमारा जो SIP है उस पर भी पड़ता है। तो यही जानना चाह रहे हैं कि SIP के जरिए अगर बेस्ट रिटर्न मिलना हो तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव है उससे बचना चाहिए और रिस्क अपना कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सवाल पूछा स्पेसिफिक रिलायंस स्मॉल कैप फंड को लेकर। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप मतलब इस तरह के फंड छोटी कंपनी के शेयर में पैसा निवेश करते हैं। कोई भी इक्विटी फंड है, इसका मतलब है कि वो इक्विटी शेयर में पैसा निवेश कर रहे हैं। अब वो बड़ी कंपनी में अगर पैसा निवेशित है तो मतलब वो लार्ज कैप फंड है। अगर मिड साइज की कंपनी में है तो मिड कैप फंड है, और छोटी छोटी कंपनी में अगर पैसा लगाया हुआ है तो स्मॉल कैप फंड है। सीधी सी बात है, अगर स्मॉल कैप होगा, छोटी कंपनी होगी, तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। रिटर्न्स, क्योंकि तेजी के माहौल में रिटर्न्स ज्यादा होते हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है वहां पर ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि जो छोटी कंपनी है वहां पर रिसर्च बहुत कम लिमिटेड होती है। आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, HDFC बैंक की, SBI बैंक की, तो ऐसे में मालूम है कि बड़े बैंक्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, रिस्क कम है। छोटे छोटे स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ तेजी के मार्केट में आपको रिटर्न बहुत अच्छा देंगे, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो वहां पर जो लार्ज कैप फंड होते हैं वहां पर गिरावट कम दर्ज होती है, जबकि जो छोटे जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वहां पर गिरावट भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा करके लार्ज कैप या मिड कैप फंड रखने चाहिए, मल्टी कैप फंड रखने चाहिए। स्मॉल कैप फंड सिर्फ उन निवेशकों के लिए हैं जिन्होंने पहले से बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और आप सोचते हैं कि 5-10% अपने पूरे अमाउंट का हम लोग इसमें निवेश करते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गिरा भी तो कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बाकी का पोर्टफोलियो हमारा लार्ज कैप और मिड कैप में है। लेकिन जो सिर्फ बात कर रहे हैं कि 5,000 रुपया ही निवेश करना है और वो भी सिर्फ स्मॉल कैप में किया है, तो मेरे हिसाब से ये आपका बहुत रिस्की पोर्टफोलियो बन जाता है, ये डिसीजन सही नहीं है। आपको रिस्क और रिटर्न दोनों को ही साथ में लेके चलना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि तेजी के माहौल में आप सिर्फ स्मॉल कैप में कर रहे हैं, कभी अगर मार्केट गिरा तो यहाँ पर गिरावट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो ठीक तरीके से प्रॉपर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, केवल स्मॉल कैप या केवल लार्ज कैप में ना निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करें और शो देखते रहें, इसके जरिए आपको और भी ज्यादा सुझाव मिलते रहेंगे। अगला सवाल हम ले लेते हैं, संजय जी ने हमें कॉल किया है, फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार संजय, पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये आपका जो प्रोग्राम है मैं डेली देखता हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद है आपको पसंद आता होगा जो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, सजेशंस जो देते हैं एक्सपर्ट, वो आपको पसंद आते होंगे। तो हाँ यस मैम, तो मैंने ये मैम इसमें ICICI प्रूफ फोकस में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए है जी। और सेकंड मेरा फंड है कोटक सिलेक्ट फोकस, उसमें 3,000 रुपए, रिलायंस मार्ट 2,000, ओके, और सुंदरम मिड कैप उसमें मैंने 3,000, ऐसे टोटल मिला के 15,000 मैंने इन्वेस्ट किए। ओके, तो मेरा जो टेन्यूअर है मैम वो 12 साल का है, होराइजन जो बोलते हैं आप अच्छी वर्ड में, तो 12 साल का मेरा होराइजन है। और मेरा जो गोल है मेरे लड़के के लिए पुणे में मैम, उसको 2 BHK का फ्लैट लेना है आफ्टर 12 ईयर। ओके ओके, तो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। पंकज, आपने इनका सवाल सुना, 15,000 के पर मंथ SIP कर रहे हैं, 4 फंड्स हैं इनके पास, और इनका जो गोल है वो 12 साल बाद ये अपने बेटे के लिए एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं। तो जो SIP कर रहे हैं, जिन जिन फंड में ये निवेश कर रहे हैं, क्या उसके जरिए इनका गोल अचीव हो पाएगा? देखिए, फंड तो आपके अच्छे हैं, आपने लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह के फंड में निवेश किया, और ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ स्टेबल फंड भी होने चाहिए और कुछ अच्छे ग्रोथ वाले फंड भी होने चाहिए। और आप 15,000 रुपया कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये सफिशियंट होगा कि नहीं होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा पैसा आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े और पूरा पैसा आप इकट्ठा कर पाए, तो आपको अपना निवेश और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि
समय के साथ में प्रॉपर्टी के भाव भी बढ़ेंगे। अभी आप अगर 15,000 रुपया महीना कर रहे हैं और 10-12 साल का नजरिया है, तो उस वक्त में आपको अगर आप उम्मीद करते हैं कि 12-15% हर साल का आपको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलेगी म्यूचुअल फंड से, बट उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी के भाव भी बढ़ते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय के साथ आप क्या करें, हर साल 10% से जैसे इनकम बढ़ती है अपने निवेश की राशि को भी बढ़ाते जाएंगे। अगर इस साल आप 15,000 कर रहे हैं तो अगली बार आप 17,000, 17,000, 16,000 जितना आप कर सकते हैं ऐसे करिए, तो अमाउंट को बढ़ाते जाइए ताकि आपका जो गोल है वो आसानी से हासिल हो सके। ओके, तो संजय जी सलाह आपको दे दी गई है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से उनका भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से दिनेश जी जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश, पूछिए। हेलो। हेलो जी मैम, आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरी 4 SIP चल रही है। ओके। SBI ब्लू चिप फंड में रेगुलर प्लान है, SBI मैग्नम मल्टी कैप में है, एक ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड है, एक टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड है। जी। तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फंड ठीक हैं और बहुत लंबा गोल है 5 साल। ओके। और जो है 2000 मतलब प्रेजेंट टाइम में निवेश कर सकता हूँ और हर साल जो है 10% निवेश बढ़ा सकता हूँ। बढ़ा सकते हैं आप, चलिए ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, हर साल बढ़ाना भी चाहिए अपना जो भी निवेश है वो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे अपने निवेश को भी बढ़ाते रहना चाहिए। पंकज जी, इनके पास SBI ब्लू चिप है, SBI मैग्नम मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड और टाटा इंडिया का फंड है इनके पास। कैसे लग रहे हैं इनके फंड्स आपको? और 4000 की प्रतिमा SIP कर रहे हैं, इस रकम को और बढ़ा भी सकते हैं, और पोर्टफोलियो कैसा है इनका? देखिए, आपके पास में एक लार्ज कैप है, एक मल्टी कैप है, और एक बल्कि दो मल्टी कैप है, एक लार्ज कैप है और एक आपके पास थीमेटिक फंड है। जो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड है एक थीमेटिक फंड है, जो कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेक्टर्स में निवेश करते हैं जिसका कंज्यूमर से सीधा ताल्लुक है। तो ऐसे फंड जो मल्टी कैप फंड है या जो लार्ज कैप फंड है, ये तो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, हर तरह के सेक्टर में निवेश करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर फंड है यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न आपने देखे होंगे लास्ट 1 ईयर में 60% से ऊपर का रिटर्न दिया है इस फंड ने, तो और मुझे भी लगता है कि आपने रिटर्न देख के ही इसमें निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान दीजिए कि जो कंज्यूमर फंड है इसमें आपका निवेश बहुत लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा निवेश आपका लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप जो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है उनमें ही होना चाहिए। लेकिन 4000 रुपए के लिए आपने 4 फंड में सिलेक्ट इन्वेस्ट किया वो थोड़ा ज्यादा है, फंड कम होने चाहिए। आप अगर अभी निवेश और बढ़ाते हैं तो मेरी सलाह है, आपके पास अच्छे फंड है, SBI ब्लू चिप हो, चाहे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी हो, SBI मैग्नम मल्टी कैप हो, इन्हीं फंड में अपने निवेश को बढ़ाइए और नए फंड ऐड मत कीजिए। ओके, तो दिनेश ये सलाह आपको दे दी गई है। पंकज, हम डिस्कशन कर रहे थे ATM कार्ड से मिलने वाले फायदों की और हमने इंश्योरेंस काफी हद तक कवर किया है, और कौन कौन से फायदे हैं जो कि एक डेबिट कार्ड होल्डर को मिलते हैं? देखिए, डेबिट कार्ड बाकी तो जो सुविधा है कि पैसे किसी भी वक्त निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, उसके अलावा जो सुविधा है वो सिर्फ इंश्योरेंस की ही है। बट इंश्योरेंस में नॉट ओनली दिस, सिर्फ ये बात नहीं है कि आपका एक्सीडेंट कवर है, जैसे मैंने बताया था जो सामान आपने खरीदा है, शायद ये काफी कम लोगों को पता होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो फिर भी कई बार चर्चा होती है इस विषय पर उस कार्ड से अगर आपने सामान खरीदा है तो वो सामान भी अगले 6 महीने के लिए आपका इंश्योर्ड हो जाता है। ये हर कार्ड पे नहीं होता है बट बहुत सारे कार्ड पर आप इसकी सुविधा है। तो जो कार्ड आप कैरी कर रहे हैं, जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है, एक बार उसके फीचर आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कार्ड पर कौन कौन से बेनिफिट हैं। तो और उसमें कुछ फाइन प्रिंट्स भी हैं, जैसे कि हम अगर एयर ट्रेवल की बात करें किसी कार्ड पर, तो एक कंडीशन हो सकती है कि अगर एयर टिकट आपने उस कार्ड से परचेज किया है तभी उस पर इंश्योरेंस आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि कंडीशंस क्या क्या हैं, वो आप जरूर देखें, नॉमिनेशन अपडेट करें, और ऐसा भगवान ना करे कि आपको इनकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए, नहीं तो उन बेनिफिट का फिर कुछ फायदा नहीं है।
बिल्कुल, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए आपने पंकज, और काफी जरूरी है कि आपके पास इस वक्त जो कार्ड है आप जाकर बैंक से संपर्क करिए, उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करिए बैंक के साथ संपर्क करके, और जिससे कि अगर आगे चल के भगवान ना करे आपको उसका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो डेबिट कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि वो हैंडी अवेलेबल भी रहेगा, आप तुरंत तुरंत उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है किस किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं पंजाब से, हरदीश हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। हरदीश हाय, हैप्पी न्यू ईयर, आपका सवाल पूछिए सर। हैप्पी न्यू ईयर मैम, मेरा सवाल मैम ईटीएफ के रिगार्डिंग है। मेरे को सीपीएस, जी मैं सीपीएससी ईटीएफ और बाप 22 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ थ्रू सिस्टमेटिकली, तो इसके बारे में आप थोड़ा मेरे को बताइए कि इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आप भारत ईटीएफ में करना चाह रहे हैं निवेश? या बार 22 ईटीएफ एंड सीपीएस ईटीएफ। सीपीएससी ईटीएफ, या ओके पंकज, आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही फंड, ये सीपीएससी ईटीएफ और भारत 22 दोनों ही अच्छे फंड हैं, जो कि भारत सरकार की जो बड़ी कंपनी उनमें निवेश करते हैं। भारत 22 का थोड़ा निवेश प्राइवेट कंपनीज में भी है, जैसे आईटीसी उनके पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये अच्छे दोनों ही अच्छे ईटीएफ हैं। सिर्फ ये दिखना है कि ईटीएफ परचेज करने के लिए आप क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बाय करेंगे, आपका एक ब्रोकर के पास अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, और आपके पास डीमैट होना कंपलसरी है। लेकिन ये फंड अच्छे हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड रखने चाहिए, यहाँ पर रिस्क भी कम है। अगर आप इक्विटी में नए निवेशक हैं, कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो इक्विटी के फंड्स में इस तरह के फंड, कम जोखिम वाले फंड कहे जा सकते हैं, तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, आपको अच्छा फायदा होगा। ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इसका जवाब हमें देने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और एटीएम के जो भी फायदे थे, एटीएम कार्ड के जो भी फायदे थे वो भी हमारे दर्शकों को डिटेल में बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शो के दौरान हमने काफी सारी बातें की, कुछ दर्शकों ने भी ऐसे कुछ सवाल पूछे जो शायद आपके भी मन में आते होंगे, और एटीएम कार्ड के बारे में भी हमने आपको बताया। एक और फायदा ये भी है कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो एटीएम के जरिए कैश ट्रांसफर करने की भी सुविधा दे सकते हैं, तो आप इस वक्त ये काफी जरूरी होगा। इस शो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो जाइए और उसके फायदे और उसके बेनिफिट्स बैंक के साथ समझने की जरूर कोशिश करिए।